सॉल्यूशन में हम सबसे बात करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। याद रखना सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। हम प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा था सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। याद रखना दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है होमोजेनस सॉल्यूशन और एक होता है हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस सॉल्यूशन क्या होता है? थ्रू आउट द मिक्सचर चीजें सेम होती हैं, उन्हें कहते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। थ्रू आउट द मिक्सचर चीजें डिफरेंट होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, कहते हैं हम हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फिर इसमें कि परसेंटेज कंपोजिशन की, कौन कौन से परसेंटेज कंपोजिशन होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, कैसे कैसे चीजों को परसेंटेज को नापते हैं। तो सबसे पहले आता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर। हम सब कुछ चीजों की बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन में कि सबसे पहले से मान लो तुमसे किसी ने कह दिया 10 ग्राम सुगर इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ सुगर इन वाटर? तो मिक्सचर है, अब इसका परसेंटेज पता करना है। तो इन सारी चीजों को हम पता करने के लिए कुछ फॉर्मूलास का यूज करते हैं। पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा है हमारा मोल फ्रैक्शन, छठा है हमारा मोलैरिटी और सातवां है हमारा मोलैरिटी। इतनी चीजों की हमें बात करनी है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। कृपया आप इसको नोट करें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नोट हो गया, आगे। अगर हमसे बात किया जाए कि हम कैसे निकालेंगे, तो मान लो एक क्वेश्चन है कि 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के परसेंटेज कंपोजिशन को पता करना है। अगर हमने 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 120 ग्राम पानी में डाल दिया है तो पता करना है कितने ग्राम क्लोरोफॉर्म 20 ग्राम पानी में। आप पता करें, कोशिश करें। चलिए मैं निकालता, कैसे निकालेंगे इसका मतलब वेट बाय वेट का क्वेश्चन। हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज वेट बाय वेट वाला, इसका फॉर्मूला होता है जो डाला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 20, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 120 इन 200। कितना आंसर आ गया? ठीक है, कितना आएगा? 16.66 समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।
एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप सॉल्व करेंगे इसको। मान लो क्वेश्चन है 20 ml ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 140 ml ऑफ वाटर, फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। पता करिए कितना आंसर है आपका? क्या 2000/160 ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज वेट प्राइवेट होगा, परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम होगा, परसेंटेज वेट। मान लो 30 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 140 ml ऑफ वाटर, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर। देखिए क्या इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊपर मॉलिक्यूलर मास और नीचे वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मास कितना 30 और वॉल्यूम कितना 140 × 100। कभी वॉल्यूम और मास को जोड़ मत देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ठीक। बाकी की चीजें हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से पढ़ाई करिए, समय बहुत कम है। 3 चीजें थोड़ा बहुत मैंने बता दी ठीक, आज समय कम होने की वजह से। थैंक यू।